Hello, good morning student. Today we are learning activity 1.13. In this activity, first step, take some camphor or ammonium chloride, then crush it and put it in a china dish. तो camphor और या तो ammonium chloride लेना है हमको और उसको crush करके उसको china dish के अंदर रखना है. Then, in a second step, put an inverted funnel over the china dish. तो जैसे यह figure में हमको दिखाया गया है, ऐसे हमको चाइना डिश के ऊपर, हियर इट इज़ अ चाइना डिश, उसके ऊपर हमको फनेल लेनी है. तो पुट एन इन्वर्टेड फनेल ओवर द चाइना डिश. इन्वर्टेड ऐसे फनेल हमको यहाँ पे रखनी है. सो अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट्स. तो क्या है नेक्स्ट, पुट एन इन्वर्टेड फनेल ओवर द चाइना डिश, देन पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनेल एज शोन इन फिगर्स 1.7. सो लाइक दिस, कॉटन प्लग मतलब रुई उसके ऊपर के हिस्से में हमको रखना है. नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व. नाउ वी आर हीटिंग दिस सब्सटेंस एंड देन ऑब्जर्व. ऑब्जर्व करने में हमको क्या दिखेगा, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबाउ एक्टिविटी. सो यह एक्टिविटी से हमको क्या पता चलेगा. सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी आर लर्निंग अबाउट चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इन टू लिक्विड स्टेट is called sublimation and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. So यहाँ पर हमको सीखना है a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. तो उस state में ऐसा जो change आता है जिसमें solid to gas मतलब solid to gas conversion हो, it is called sublimation. एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड और गैस से वापिस सॉलिड में कन्वर्ट होना विदाउट चेंजिंग इन टू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन. सो टू डिफाइन यहाँ पे है, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन. सो सब्लिमेशन मीन्स सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होना और डिपोजिशन मीन्स गैसेज टू सॉलिड में रिवर्स कन्वर्जन. सो ये दोनों डिफाइन आपको अच्छे से समझनी है. चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इन टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड sublimation and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. Okay, 1 minute please. Okay, so all of you understand about what is deposition and what is sublimation. तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये activities हैं. Now next thing is effect of change of pressure. उसके pressure change करने से भी उसके अंदर effect होती है. We have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles. What will happen when we start putting pressure and compressor gas? So यहाँ पे हमको कहा गया है और हम already सीखे हुए हो. क्या सीखे हुए हैं? So matter is, तो यहाँ पे है the difference in various states of matter. कोई भी matter के जो different states होते हैं different, it due to the difference in the distances between the constituent particle. उसके पार्टिकल्स के बीच में गैप होने की वजह से अलग अलग स्टेज मतलब अलग अलग स्टेट्स कन्वर्जन होता है. जैसे कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत ही एकदम पास पास होते हैं, अगर सॉलिड के पार्टिकल्स वो थोड़े थोड़े दूर जाएंगे मीन्स इट इज़ कॉल्ड लिक्विड स्टेट. लिक्विड के पार्टिकल्स अगर और दूर रहे एक दूसरे से फार हो गए देन वी आर कॉलिंग इट गैसेज फॉर्म. सो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particle and what will happen when we start putting pressure and compressor gas. agar gas ko pressure se ya compress karke hum usko rakhe to kya hoga. so iske liye yaha pe likha hua hai enclosed in a cylinder. so will the particles come closer. agar pressure se hum koi gases form ko ek cylinder ke andar bhare fill kare to kya hoga. Will the particle come closer? क्या उसके particles जो है close आएंगे? Yes. Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? क्या आप जानते हो, क्या आप सोचते हो कि increasing और decreasing the pressure, pressure को अगर बढ़ाया जाए या कम किया जाए तो उसका state change होगा? तो yes, ऐसा ही होता है. जो हम घरों में जो LPG यूज़ करते हैं, liquefied petroleum gas, तो हमारे घर के सिलेंडर के अंदर रेड कलर के सिलेंडर आपने देखे होंगे जो घर में गैस चलाने के लिए यूज़ होते हैं. सो उसके अंदर होता है LPG. सो LPG में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और जो रेड कलर की बॉटल में आपके घर पे जो गैस आता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. प्रेशर से भरने की वजह से गैसेस इज कन्वर्जन इंटू लिक्विड. फिर जैसे उसका प्रेशर हम कम करेंगे तो लिक्विड वापिस गैसेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हम उसको
बर्नर पे स्टोव पे यूज़ करते हैं। नाउ हियर इज अनदर थिंग, पिस्टन है और सिलेंडर के अंदर गैस है, यू कैन सी हियर। तो यहाँ आप देख सकते हो गैसेस फॉर्म में अराउंड अबाउट 6 पार्टिकल्स है, ऐसे ही ये फिगर दी है, मतलब कम पार्टिकल है, वही पार्टिकल को प्रेशर किया तो और अंदर हुआ, वही पार्टिकल्स को और प्रेशर करने से बहुत ही कम जगह में लिटल स्पेस के अंदर ये पार्टिकल्स अपनी जगह बना लेंगे। और अगर लिटल स्पेस में अगर अपनी जगह बना लेंगे तो यह जो गैसेस फॉर्म जो है, यू कैन सी हियर गैसेस फॉर्म इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, तो लिक्विड फॉर्म में वह कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर की वजह से। सो हियर वी आर लर्निंग अबाउट इट, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। तो अगर प्रेशर या तो टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो उसमें से हम लिक्विफाई गैसेस को बना सकते हैं उसमें से। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आपने CO2 सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, सॉलिड CO2 गैस कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 atmosphere विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट। सो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इट इज़ इन अ सॉलिड फॉर्म, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, बहुत ही प्रेशर से उसको भरा जाता है, तो लिक्विड भी नहीं सीधा गैसेस से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एंड सॉलिड CO2 गैस कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैस स्टेट, सॉलिड CO2 जो होता है जैसे ही उसका हम नोजल ओपन करेंगे, अगर ये बॉटल को थोड़ा भी उसमें से प्रेशर कम करेंगे तो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 atmosphere विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नॉन एज ड्राई आइस। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को वी कैन टेल दिस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नॉन एज ड्राई आइस, तो उसको ड्राई आइस भी कहा जाता है। तो आपने स्कूलों में या बड़ी बड़ी इमारतों में या थिएटर मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आप आग बुझाने के लिए जो बॉटल देखते हो रेड कलर की, जिससे आग बुझाई जाती है, वह रेड बॉटल के अंदर ही ऐसा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है जिसको ड्राई आइस कहते हैं। जब आग लगती है तब उसकी नोजल खोलने की वजह से सीधा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होकर आग को बुझाता है। तो ये ड्राई आइस हमारे जो बॉटल होती है जो रेड कलर की आग बुझाने की, उसके अंदर यूज होता है। दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड लिक्विड और गैस। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑल्सो डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, तो कोई भी सब्सटेंस का स्टेट कौन सा है या कौन सा नहीं है या कौन सा होगा, वह उसके प्रेशर या उसके ऊपर दिए जाने वाले टेम्परेचर के ऊपर डिटरमाइन करता है। सो ये सब हम सीखे, अभी तक हमने क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्नड, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड को टेम्परेचर देंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, देन इट इज नॉन एज फ्यूजन, इसको कहा जाता है फ्यूजन। अगर लिक्विड में से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्जन करना है यह प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन, देन लिक्विड में से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना इट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। अगर यह वेपर को वापिस हमको लिक्विड बनाना है सो जो प्रोसेस यूज होती है इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो गैस को ठंडा किया जाएगा, गैस को कूल करने की वजह से उसमें से लिक्विड कन्वर्ट होगा, सो इट इज नॉन एज कंडेंसेशन। एंड व्हेन वी आर टर्निंग लिक्विड इनटू सॉलिड सो इट इज नॉन एज सॉलिडिफिकेशन, उसको कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन। और कई बार सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट होता है, दिस मेथड इज नॉन एज सब्लिमेशन। एंड गैसेस, व्हेन गैसेस कन्वर्टेड इनटू सॉलिड डायरेक्टली देन इट इज कॉल्ड डिपोजिशन। सो हियर 6 मेथड्स, फ्यूजन, वेपराइजेशन एंड रिवर्स में कंडेंसेशन एंड सॉलिडिफिकेशन। एज इट इज इन अ सॉलिड टू गैस वी आर यूजिंग सब्लिमेशन मेथड, एंड व्हेन वी वांट टू गैसेस टू सॉलिड वी आर यूजिंग मेथड ऑफ डिपोजिशन। तो यह मेथड भी आपको अच्छे से समझनी है विथ डिफाइन के साथ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के बारे में हम सीखेंगे, आप ऑलरेडी जानते ही हो व्हाट इज इवेपोरेशन। सो डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, क्या हमको हमेशा हीट या तो हमको प्रेशर चेंज ही करना होता है मैटर के स्टेट बदलने के लिए,
Can you quote some example from everyday life? Where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point. तो कई बार वह boiling point पे पहुँचे बिना, boiling point पे पहुँचे बिना उसका जो water में से, liquid में से vapor बनती है. So ऐसे example आप daily routine life में भी देखते हो. जब कपड़े सुखाए हो तो कपड़े सुखाने के टाइम उसके अंदर से जो वाटर का वाटर वेपर बनता है वह 100 डिग्री टेम्परेचर पे नहीं बनता है. वो नॉर्मल टेम्परेचर पे 42 डिग्री 38 डिग्री ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ही वाटर वेपर बन जाती है. ऐसा क्यों होता है तो उसके बारे में हम सीखेंगे. वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर. जब भी वाटर को लेफ्ट अनकवर्ड खुला छोड़ दिया जाए स्लोली चेंजेस इनटू वेपर. वाई क्लोज ड्राई अप तो गीले कपड़े सूख जाते हैं. वॉट हैपन्स टू वाटर इन द अबाउट टू एग्जाम्पल तो यह एग्जाम्पल में वाटर का क्या होता है, कम टेम्परेचर में भी वह वाटर वेपर क्यों बनती है. सो इसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है. सो वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड. वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट. तो पार्टिकल्स जितने भी हो गए मैटर के वो हमेशा मूव एंड मूव करते रहते हैं एंड दे नेवर एट रेस्ट कभी भी वो एक जगह स्थिर रेस्ट पोजिशन में नहीं होते हैं चाहे कोई भी गैस लिक्विड या सॉलिड हो. देर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इन द केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सर्फेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी. तो लिक्विड के केस में स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स छोटी ही मात्रा में जो पार्टिकल्स जो होते हैं सरफेस पे दे हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी. उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एंड इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स. और दूसरे पार्टिकल्स से इसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इंटू वेपर और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. दिस फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इंटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. व्हाट इज इवेपोरेशन तो चेंज ऑफ अ लिक्विड इंटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट से कम कोई भी टेम्परेचर पे अगर उसमें से वाटर में से वाटर वेपर बनती है सो इट इज नॉन एज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन उसको कहते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. इवेपोरेशन अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या है ये हम कल सीखेंगे. तो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने जितना भी आपको समझाया है एक्सप्लेन किया है आपको वह कंपल्सरी लर्न करना है और तैयार भी करने हैं. जितने क्वेश्चन आंसर जितने भी डिफाइन आई हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है जिससे एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स आए. और मैं जो जो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए दूँ डिफरेंसेस लिखने के लिए दूँ तो साथ साथ लिखते रहना आप लोग और तैयार भी करते रहना. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.